हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और देखिए, सवेरे सवेरे इस समय धूप बहुत अच्छी निकल कर आई है और बादल हैं बहुत ज़्यादा, और ये सवेरे की पहली चाय है। हम लोग सो कर ही उठे हैं अभी, और चलिए चलते हैं किचन में। पहले मैं बना देती हूँ सब्जी, क्योंकि अब हम जल्दी फैक्ट्री जाते हैं ना, तो इस वजह से जल्दी काम निपटाना पड़ता है। वहाँ पर काम छिड़ा हुआ है, मिस्त्री मज़दूर वगैरह ना 8 बजे तक आ जाते हैं, तो उससे पहले तैयार होके जाना पड़ता है हम लोगों को। खाना वाना रेडी कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी। तो ये बन रहा है मेरे आलू मटर टमाटर। आजकल आलू मटर टमाटर का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है सीज़न, मटर भी खूब आ रही है, तो आलू मटर टमाटर बनाओ और खाए जाओ। तो आलू मटर टमाटर बन रहे हैं, साथ में बनाऊँगी बथुए का रायता और शिमला मिर्च बनाऊँगी या खुशक आलू बनाऊँगी। सोच रही हूँ अभी क्या बनाऊँ। तो ये मैंने कर दिया है, मैं इसमें लगाऊँगी 1 सीटी उबले हुए आलू हैं। तो ये देखिए, मैंने ना जल्दी जल्दी बना रही हूँ तो इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ। तो ये मैंने शिमला मिर्च और प्याज जो थी ना तड़का लगा के थोड़ी सी रख दी थी आग के ऊपर गैस पे, तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल के इसमें, तो मैंने कि थोड़ा सा ये हो जाए तो मैं इसमें पनीर मिला के और मसाले मिला के इसको ही बना दूँ सन्नी के लिए। सन्नी आलू मटर टमाटर इतने शौक से नहीं खाता है, लेकिन हम लोगों को मक्का की रोटी से बहुत अच्छे लगते हैं, या मक्का के पराठे हों या मेथी के पराठे हों, तो उससे बहुत अच्छे लगते हैं। रायते, मेथी के पराठे और रायता तो देखिए अच्छा लगता ही है, ये तो कॉम्बिनेशन है ही, लेकिन आलू मटर टमाटर से ना पराठे हों या मक्का के पराठे हों तो बहुत अच्छे लगते हैं, कभी खा कर देखिएगा। और हाँ, मक्का का आटे का आप एक पराठा बनाइए, रात को बना के रख दीजिए, सवेरे को उससे ना किसी भी सब्जी से खाइए, आप देखेंगे तो उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जल्दी ये सब्ज़ियाँ बना रही हूँ। देखिए, मैंने डाल दिया इसमें पनीर और मसाले भी ऐड कर दिए हैं। ये रेसिपी मैं कई बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि मैंने दिखाई नहीं है कि कितना क्या डाला है। सेम क्वांटिटी है जो और सब्जियों में होती है, वही है। आइडिया से नमक मिर्च और पिसा हुआ धनिया या सब्जी मसाला या मैगी मसाला जो भी आप इसमें ऐड करना चाहो कर सकते हो। तो ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। और रायता, आजकल बथुआ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो रायता हमारे यहाँ ज़्यादातर रोज़ ही बन रहा है। तो मैंने एक दो बार आपको रायता भी डिटेल में दिखा दिया है, तो अब नहीं दिखाया है। देखिए, मन्नू के लिए प्याली में ना अलग से निकालना पड़ता है बिना मिर्ची का, और हम लोग रायते में ना भुनी हुई सूखी मिर्च नहीं डालते हैं, हम लोग हरी मिर्च कूट कर डालते हैं। हमारे यहाँ रायते में जो है हरी मिर्च जो है कूट के डलती है। ज़्यादातर हम कोई ऐसा भी रायता बनाएं, बूंदी का बनाएं, खीरे का बनाएं, या इसका बनाएं, या गाजर का बनाएं, या फिर लौकी का बनाएं, लेकिन हम उसमें डालते हैं हरी मिर्च को, कूट लेते हैं मूसली से या बटने से, थोड़ा सा कुचल लेते हैं तो उसको डाल लेते हैं, वो बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, ये हो गई है तैयार सब्जी। और सब्जी के साथ अब मक्का की रोटी पचा के रख दी है, तो शिवांगी उन्हें सेक देगी और पैक कर देगी। हम लोग जा रहे हैं फैक्ट्री, और फैक्ट्री जा रहे हैं, उसके बाद जब आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या और कर रही हूँ। साथ में ले जा रही हूँ एक स्वेटर जो मैं बना रही हूँ, वहाँ खाली बैठ के स्वेटर बनते रहते हैं। तो ये स्वेटर है, ये मैं हनी के लिए बना रही हूँ, प्लेन बना रही हूँ अंदर पहनने के लिए। तो मैंने सोचा चलो इसको यहाँ से नाप के आइडिया लग जाएगा ना, तो मैं इसे ले जाऊँगी। ये गला छिकने के लिए आ गया है, लेकिन शिवांगी कह रही मम्मी अभी इसको इतना और बढ़ा दो, मतलब 2 इंच और बढ़ा दो, तो मैं थोड़ा प्लेन और बुनूंगी अभी इसे ले जाके। ये स्वेटर डाल रखा है, खाली नहीं बैठा जाता, और बनाए थे भगवान जी के कपड़े, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। ये मुझे ऐसा ही लगता है, इसके काले घने बाल नहीं लगते। कौन सा तेल लगा रहा है तू शिका काई? पानी चल रहा है, ताजे पानी से मिलाकर। अच्छा, नहा लिए तुम? देखो ये सर्दी में भी नहा लिया, बारिश हो रही है। गई थी तो मन्नू को चोट लगी माथे पे, ये घुमड़ बना हुआ है, उंगली रखना, कहाँ है इसका घुमड़? ये है और गाल पे भी था ना, बहुत कस के गिर गया था मन्नू। अब वो सही होने लगा, पहले नीला हो गया था, अब वो हरा हरा हो गया है, नहीं मन्नू? अब सही हो जाएगा, देखो सोफे का क्या सत्यानाश करा है। और ये समय है शाम का, तो मन्नू देखिए शरारत कर रहा है, आके हमसे बद्दा निकालता है, अकेला रहता है ना, बस मैं थक गई, अब ये शरारत कर रहा है मेरे कंधे पे चढ़ा पड़ा है। गिर जाएगा, उधर को गिर जाएगा, गिर जाएगा। ये लड़का तो बड़ी शरारत करता है, ये गिर जाएगा। इनने मेरी आई मुझे, अरे मेरी, अरे कुंडल खुल गया भैया। ये रहा देखो, ये बच्चा बहुत शरारत करता है, इसका नाम है मन्नू। मन्नू खेल रहा है, अरे भैया बहुत चल गई, तो अभी भी पॉलिश वैसी की वैसी है।
मनो मनो कहाँ है तू? बहुत शरारत कर रहा, कूद रहा है ये ऊपर ना हल्की तरह। बाबा ने धक्का मार के गिरा दिया। आ तू आ, कहाँ है? अरे अरे अरे, अरे? सुरा रहा हूँ। मारो मत, मेरे तो खुद ही पैर खराब है बेटा। आ ले आ, देख देख मैं तेरी वीडियो बना रही हूँ। सब कहेंगे शेम शेम ऑन यू करेंगे। और अब हो रहा है हमारा आराम। तो ये देखिए, ये बनाए मैंने भगवान जी के कपड़े जो मैं आपको दिखाने कर रही थी। अभी मैंने ये फिर से रेडी किए हैं, इनमें थोड़ी कमी थी। तो ये स्कार्फ है, मफलर जिसे कहते हैं मफलर कैप, और ये भगवान जी की, ये राधा कृष्ण की ड्रेस है, और ये राधा जी का चोटी वाला टोपा, और ये उनका गाउन। तो ये मैंने बनाए हैं, कैसे लगे आप लोगों को बताइएगा मुझे। देखिए कैसे लग रहे हैं, ड्रेस अच्छी है वैसे। अरे दो मिनट और बस, दो मिनट ना, दो मिनट के लिए और जाओ। बारिश तेज हो गई, आवाज़ भर दूँ मैं इसमें बस। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा राम राम बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।